नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है टॉप 10 खबरों का, तो आइए निगाह डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। इलेक्शन कमीशन ने 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का किया ऐलान, 10 जुलाई को होगा मतदान। शपथ के बाद एक्शन में पीएम मोदी, किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त की फाइल पास की। अमित शाह और नितिन गडकरी के बाद राजनाथ सिंह से मिलने पहुंचे सीएम योगी। एलजी से मिलने पहुंचे आतिशी और सौरभ भारद्वाज, दिल्ली में जल संकट पर करेंगे बात। महाराष्ट्र के सीएम और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे आज पार्टी सांसद और विधायकों के साथ करेंगे बैठक। पहली बार रिकॉर्ड 77,000 के पार पहुंचा सेंसेक्स। उड़ीसा के निवर्तमान सीएम नवीन पटनायक ने तीसरी बार पीएम बनने पर नरेंद्र मोदी को दी बधाई। रियासी बस अटैक, घटनास्थल पर पहुंचे रियासी उधमपुर रेंज के डीआईजी रईस मोहम्मद भट्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जम्मू कश्मीर में तीर्थ यात्रियों की बस पर आतंकी हमले की घटना पर जताया दुख। लखनऊ के पारा इलाके के एक मकान में लगी आग, एक ही परिवार के 11 लोग झुलसे। फिलहाल के लिए टॉप 10 खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।